हेलो वेलकम गाइस, दिस इज रंजित शर्मा और आप देख रहे हैं टेक एडवाइजर प्रो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन की और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या कुछ है इसमें खास। और अगर आप भी इस नोटबुक को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये नोटबुक क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वेबकैम के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम भी इस लैपटॉप के साथ ही मिलता है और ये है 720 पिक्सल का और सीधे इसमें प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। आपको सीधे यूएसबी से कनेक्ट कर लेना है और इसको बॉक्स से निकालने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और इसका जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, आपको ये बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लगेगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, ये तो एक काफ़ी एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसमें और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो अब चलते हैं बॉक्स की तरफ। तो बॉक्स को करते हैं ओपन और निकालते हैं लैपटॉप को बाहर। तो सिंपली करते हैं इस बॉक्स को ओपन और आपको एक बॉक्स मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर पैक है मी नोटबुक 14 होराइजन। और बॉक्स के अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, इसी के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। पहले अगर हम बात करें इसके मैनुअल की तो यहाँ पर ये वारंटी कार्ड भी है इस लैपटॉप का और इस लैपटॉप के साथ आपको मिल जाता है 65 वॉट का चार्जर जो कि आपके लैपटॉप को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। और लैपटॉप को सिंपली आप अपने सिर्फ एक फिंगर से ही ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक आपको मैकबुक की तरह लगेगा। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको कोर i7 की ब्रांडिंग दिख जाएगी। और अगर हम बात करें इसके लुक की तो ये आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा मैकबुक प्रो की तरह। और ये है इंटेल कोर i7 10th जनरेशन की ब्रांडिंग। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल के बारे में तो साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट दिख जाएगा, इसी के साथ चार्जिंग लाइट भी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, साथ में दो आपको USB पोर्ट भी मिल जाएंगे। और उसी के साथ अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर आपको एयर वेंट मिल जाएगा, उसी के साथ यहाँ पर एक और यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है और इसी के साथ आप और यहाँ पर आपको एक ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इसके बोथ साइड। अब बात करें अगर लैपटॉप की तो इस फ्रंट में आपको मी की ब्रांडिंग मिल जाती है और बैक साइड में आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है। और इसकी जो ब्रेजरलेस डिस्प्ले है ये आपको कमाल का व्यू देगी। करते हैं इस लैपटॉप को ऑन और मैं इसको कर लेता हूँ सेटअप और उसके सेटअप करने के बाद आपको डायरेक्ट इसे दिखाता हूँ। तो सेटअप हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज और मी स्मार्ट शेयर, ये दो एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी प्री इंस्टॉल्ड नहीं है जो कि मोस्टली MI के फ़ोन्स में देखा जाता है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन से वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले कमाल का एक व्यू देंगी आपको क्योंकि यहाँ पर ब्रेजललेस डिस्प्ले है, तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होगा इस डिस्प्ले के साथ। और अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या फिर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट प्लस एक बेस्ट ग्राफिक कार्ड के साथ अगर एक लैपटॉप देखने जाएंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि ये आपकी नीड को काफ़ी ज़्यादा फुलफ़िल करेगा। बट यहीं अगर आप एक गेमर हैं, आप गेमिंग पर्पस के लिए इसे लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है। तो ये दो चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बात करें इसके कीबोर्ड डिज़ाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको 1.3 mm का ट्रैवल डिस्टेंस मिल जाता है, इसी के साथ इसमें आपको बटरफ्लाई मैकेनिज्म मिल जाता है और ये काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहा मेरा इस कीबोर्ड के साथ। मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई टाइप करने में
और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके टच पैड के बारे में, अगर हम बात करें इसके टच पैड की, तो टच पैड मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, बट यहाँ पर जो टच पैड का साइज़ है वो एग्जैक्टली काफ़ी है, यहाँ पर आपको छोटा नहीं लगेगा, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और अब बात करते हैं कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8GB DDR4 की रैम मिल जाएगी, और इसी के साथ आपको यहाँ पर NVIDIA का MX350 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। मी नोटबुक आपको 10 आवर्स का बैकअप दे देता है, ऐसा मी क्लेम कर रहा है, तो आई थिंक 8 आवर्स का तो दे ही देगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक डिसेंट साउंड क्वालिटी भी इस लैपटॉप में मिल जाएगी। तो अगर आप एक एक्सट्रीम वीडियो एडिटिंग नहीं करते हैं या फिर आप एक एक्सट्रीम गेमिंग नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है। बट अगर आप एक स्कूल गोइंग पर्सन हैं, तो आपके लिए ये लैपटॉप थोड़ा सा जो है अप लेवल होगा, आपके लिए बेटर होगा कि आप मी होराइजन की जगह सिर्फ मी नोटबुक 14 को परचेस करें, तो वो आपके लिए काफ़ी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। या फिर आपका एक ज़्यादा यूजर्स है तो मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन को ले सकते हैं। तो ये थी एक क्विक अनबॉक्सिंग मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन की। एंड अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पर भी, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आप ये लैपटॉप को परचेस करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए मेरी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।